हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास टेंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन 88। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन बोला है फ्रॉम द एंड, इसका मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। 1 - 4 इक्वल टू -3 और लास्ट टर्म हमारे पास है 88, एल इज इक्वल टू 88 और 12th टर्म फाइंड करनी है, मतलब n इज इक्वल टू 12। फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का n इक्वल टू l प्लस n माइनस 1 d इक्वल, l है 88 प्लस n है 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है -3। 88 प्लस 11 इंटू -3 इक्वल 88 माइनस 33 इक्वल 55 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिटरमाइन द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 18 एंड द डिफरेंस ऑफ द 9th टर्म फ्रॉम द 15th टर्म इज 30। फोर्थ टर्म देख के रखा है 18 है, मतलब a4 इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d इक्वल टू 18, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे दिया है डिफरेंस 9th टर्म का 15th टर्म से, मतलब a15 माइनस a9 इज इक्वल टू 30। a प्लस 14d माइनस a प्लस 8d इक्वल 30। a प्लस 14d माइनस a प्लस माइनस माइनस 8d इक्वल टू 30। a से a कैंसिल, 14 में से 8 गया, 6d इक्वल टू 30, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 30/6 मतलब 5। d की वैल्यू को पुट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 3d इक्वल टू 18, a प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 18, a प्लस 15 इक्वल टू 18, a इक्वल 18 माइनस 15, a इक्वल टू 3। a की वैल्यू आ गई 3, d की वैल्यू आ गई 5। अब हमें डिटरमाइन करना है ap। ap बनाने के लिए फॉर्म होता है a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a है 3, फर्स्ट टर्म हो गई 3। सेकेंड टर्म a प्लस d, a प्लस d 8। थर्ड टर्म a प्लस 2d, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13, a प्लस 3d, 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 18 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 3 के लिए स्क्वायर लगाना है, तो इससे लिखना पड़ेगा रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 को शो करेगा इक्वल टू 0। अब यह आइडेंटिटी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी वाई प्लस अंडर रूट 3 वाई माइनस अंडर रूट 3, दोनों के इक्वल में 0 पुट करेंगे। वाई प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, वाई माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, वाई इक्वल माइनस रूट 3, y इक्वल पॉजिटिव रूट 3, तो y की वैल्यूज हो गई माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इफ द हाइट्स ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 1:2 एंड द पैरामीटर ऑफ देयर बेसिस आर इन द रेशियो 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यहाँ पे हाइट का रेशियो गिवन है h1:h2 इक्वल 1:2 है। पैरामीटर ऑफ देयर बेसिस बोला है, बेस का पैरामीटर होता है 2πr, तो हम लिखेंगे 2πr1:2πr2 इक्वल 3:4। अब रेशियो में है, मतलब वैल्यूज़ को कट कर सकते हैं जो कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये रिमेनिंग रह गया r1:r2 इक्वल 3:4। अब बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी v1:b2 लिखेंगे। अब दोनों का रेशियो, कोन का रेशियो होता है 1/3 πr1² h = 1/3 πr2² h2। अब यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/3 πr1² r1 है 3, 3 का होल स्क्वायर, h1 है 1 into 1 होल के अपॉन में 1/3 πr2 है 4, 4 का होल स्क्वायर, h2 है 2, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रिमेनिंग है 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 9:32 आंसर।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा 25, 16, 19 एंड सो ऑन. ये पूरी सीरीज हमें गिवन है, यहाँ से हमें मोड फाइंड करना है. तो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड होता है मोस्ट अकरिंग इवेंट, मोस्ट अकरिंग इवेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम्स दिख रहा है वही मोड होगा. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स जो है वो आप ऑब्जर्व करोगे और चेक करोगे कौन सा है. तो 19 यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5. तो मोड हो गया 19, ये फर्स्ट है. सेकेंड दिया, इफ़ वन ऑफ द 19s इज चेंज टू 16, अगर एक 19 को हम चेंज कर लें 16 में, इन द अबो डेटा फाइंड द न्यू मोड. अब हम 16 को चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अब मोड चेंज हो गया, क्या हो गया 16. तो सेकेंड वाले के लिए मोड हो जाएगा 16. क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज अ कॉर्ड एंड ए टी इज टेंजेंट एट ए. इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री, ए ओ बी इक्वल 100 डिग्री, देन फाइंड बी ए टी. ये हमें फाइंड करना है. यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमें गिवन तो दिया हुआ है, गिवन एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री. यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इक्वल रेडियस है ये दोनों. अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है. ट्रायंगल ए ओ बी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल. आइसोसेलस ट्रायंगल का सम, तो यहाँ हम लगाएंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री. आइसोसेलस ट्रायंगल है तो साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो इन दोनों को हम ट्वाइस लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी 100 है प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल 180 डिग्री. ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल 180 माइनस 100, एंगल ओ ए बी इक्वल 80, और ये डिवाइड में आएगा 2, ये हो गया 40 डिग्री. मतलब कि एंगल ओ ए बी हमें मिल गया 40 डिग्री, और ये भी 40 डिग्री है. अब हमें फाइंड करना है ये पूरा एंगल. यहाँ से देखते हैं तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, पूरा 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं. अगर हम लिखते हैं एंगल बी ए टी, हमें फाइंड करना है बी ए टी इक्वल क्या हो जाएगा, होल एंगल, मतलब कि एंगल ओ ए टी माइनस एंगल ओ ए बी, दोनों को माइनस करेंगे, ये 90 डिग्री है, माइनस ओ ए बी आया 40 डिग्री, इक्वल 50 डिग्री, मतलब कि बी ए टी आया एंगल 50 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 7 थे, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. क्लास देके रखिए और फ्रीक्वेंसी देके रखिए. सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास. क्लास की बने 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9. नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे क्लास इंटरवल, मतलब कि एक्स आई. एक्स आई फाइंड होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 1 + 3/2 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 4/2, मतलब 2. वैसे ही हम आगे की निकाल लेंगे, 4, 6, 8. एफ आई हमें गिवन है 9, 22, 27, 17. एफ आई एक्स आई, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई, 2 9 = 18, 22 × 4 = 88, 27 × 6 = 162, 17 × 8 = 136. यहाँ पर हम टोटल करेंगे, एफ आई का टोटल सिग्मा एफ आई, यहाँ पे हम सबको टोटल करेंगे, ये आएगा 75. सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सब का टोटल करेंगे, ये आएगा 404. मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल आया है 404 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई 75. दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.3. तो मीन हो गया 5.3 आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स. यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है के माइनस 12, बी एक्स का कोफिशियंट 2 × k − 12, सी कॉन्स्टेंट टर्म 2. यहाँ पे इक्वल रूट्स बोला है, मतलब डी इक्वल टू 0, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर 2 × k − 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 × ए है k − 12 इंटू सी है 2 इक्वल में 0. यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 × k − 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 ×
के माइनस 12 इंटू 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम 4 और k माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रिमेनिंग बचेगा k माइनस 12 माइनस 2 इक्वल 0। 4 इंटू k माइनस 12 इंटू माइनस माइनस प्लस k माइनस 14 इक्वल 0। 4 डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर k माइनस 12 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k इक्वल टू 12 आएगा, और k माइनस 14 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k इक्वल टू पॉजिटिव 14। तो k की वैल्यूज हो गई 12 और 14। क्वेश्चन नंबर 9 थे, इन फिगर ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। इफ एंगल ए बी ओ सी इक्वल टू 130 डिग्री देन फाइंड एंगल ए सी ओ। एंगल बी ओ सी 130 डिग्री दिया है, ए सी ओ हमें फाइंड करना है, ए सी ओ मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। डायमीटर देके रखिए ए ओ बी, यहाँ पर ये लीनियर पेयर दिख रहा है हमें, तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 130 डिग्री है इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल 50 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर टू ए सी है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो एंगल ओ ए सी जो है वो 90 डिग्री है। अब हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी 50 डिग्री आया प्लस एंगल ओ ए सी 90 डिग्री है प्लस एंगल ए सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे 140 इक्वल में जाएगा, एंगल ए सी ओ इक्वल 180 माइनस 140 डिग्री, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 थी, अ वेल विथ इनर रेडियस 4 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल राउंड ऑफ विथ ऑफ 3 मीटर, इट इज टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। यहाँ पर एक वेल है और जिसके आसपास एम्बैंकमेंट बनाया गया है, तो यहाँ पर वेल की रेडियस जो है वो 4 मीटर गिवन है और जो विड्थ है वो 3 मीटर गिवन है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। यहाँ पर वेल की जो हाइट है वो गिवन है 14 मीटर, हमें एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ वेल, वेल की रेडियस गिवन है 4 मीटर और हाइट ऑफ वेल, वेल की हाइट गिवन है 14 मीटर, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की रेडियस हो जाएगी 4 प्लस 3 इक्वल 7 मीटर, हाइट हमें एम्बैंकमेंट की फाइंड करनी है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट फाइंड करना है हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगआउट, वॉल्यूम पाई एम्बैंकमेंट में यहाँ पे रेडियस और विड्थ दो है, तो रेडियस 4 है और टोटल यहाँ सेंटर से अगर हम बाहर तक देखते हैं तो वो 7 है, तो यहाँ पे लगेगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस, और आर वन था 4 का स्क्वायर इंटू एच, एच नहीं है फाइंड करना है हमें, इक्वल पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, आर है 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर और हाइट है 14, पाई से पाई कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच इक्वल 4 का स्क्वायर 16 इंटू 14, एच यहीं रहेगा इक्वल 16 इंटू 14 और 49 माइनस 16 33 डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हाइट आएगी 6.78 मीटर।